जेठानी जी, वो जेठ जी कुछ टीवी प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे क्या? हाँ इमली, वो टीवी पर 4 बजे एक प्रोग्राम आने वाला है जिससे हमें प्रतियोगिता में बहुत मदद मिलेगी। याद रखना, हम दोनों साथ में ही देख लेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक है। लो, फिर से गए उतार छत को। क्या करेंगे? जेठानी जी, अब तो इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई है, अब हम प्रोग्राम कैसे देखेंगे? क्या करें? अबू, मैं बिजली वाले को बुला के लाता। हे भगवान, जल्द से जल्द बिजली आ जाए। तुम चिंता मत करो एमली, लाइट अभी आ जाएगी। पचासों बार बोल चुकी हूं कि छत का तार बदलवा लो, पर हमारी कौन सुने हैं? 50-50 रुपया करके 10 बार दे देंगे, एक बार में 500 रुपया ना दिया जाए। अरे के हो भाया? खंबे वाली मेन लाइन में फॉल्ट हुआ है, बनाना पड़ेगा, शायद बदलना भी पड़ेगा। आज जो करना करो, बस लाइट आ जानी चाहिए। वैसे इन सब में कितना टाइम रहेगा? बस 2-3 घंटे में हो जाएगा। हो गयो, हो गई ना शांति आप सबने? 2-3 घंटा भुगतो। चल संतोष बाजार, मैं तैयार हूं। आप कब ना तैयार हो? चल संध्या जी, 4 बजे से पहले टीवी देखने का इंतजाम कर दूंगा, इसलिए आप दोनों चिंता ना करें। के इंतजाम करेगो छोरा? एक काम कर, थारी दुकान के ना ताला लगा दे और आजा अपनी बीनी की सेवा करने के लिए। बावड़ हो जा रहे अपनी बीनी की पढ़ाई के पीछे। कल को तो अचान तारा तोड़ने के लिए बोलेगी तो क्या करेगो? आसमान की और सीढ़ी लगा देवे तो? टीपी साहब ने बोल दिया कि 4 बजे को पारागुराम देखना है, हा? तो आ गया दौड़े दौड़े बीनी का दिल रखने के लिए। अरे टीवी ला दिया ना, अब बिजली ना है तो कठे से पैदा करूं? सूरज जी, आप परेशान मत होइए, वैसे भी एक प्रोग्राम देखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और हम किताबों से तो पढ़ ही रहे हैं ना, अब चिंता मत कीजिए। चिंता तो तू नहीं पैदा करी, अब बोल रही है कि चिंता मना करो। हे मारा राम जी, अब आप उठे खंबो सो क्यों खड़े हो? अरे सड़क तक चला गया था संतोष। चल चल, अब तू उठे खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? चल चप्पल पहन। अरे चल जल्दी कर, चलो जी। छोटा 2 साल का टावर है क्या? सब तो जानू मैं। अरे चल, नहीं मैं ये प्रोग्राम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। मुझे प्रतियोगिता जीतनी है किसी भी हाल में। छत वाला तार चेक करना है, ऊपर जाने का रास्ता बता दीजिए। हाँ एक मिनट, चतुरी जी। भाभी चतुरी, इनको छत पे ले जाओ, इनको जरा तार चेक करना है। जी भाभी, आइए।
जाना है तो मैं वो काम निपटा कर आती हूँ, आप आराम से पढ़ाई कीजिए। एमली तुम कुछ परेशान लग रही हो, कहीं उस टीवी वाले प्रोग्राम के लिए तो नहीं? नहीं नहीं जेठानी जी, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, आप आराम से पढ़ाई कीजिए, मैं तुरंत वो काम निपटा कर आती हूँ। सॉरी जेठानी जी, मैंने आपसे फिर से झूठ बोला, पर क्या करूं, आपकी सोच और मेरी सोच में बहुत फर्क है। अगर आज मैं आपको दाईसा के घर जाकर टीवी प्रोग्राम देखने की बात बताती तो आप मेरे साथ कभी भी नहीं चलती, और मुझे प्रोग्राम किसी भी हालत में देखना है। मैं इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। पहला पड़ाव तो मैंने आपके कारण पास भी कर लिया, पर आगे की लड़ाई मुझे खुद लड़नी है और मैं लड़ूंगी। प्यारी फोटो आई है ना हमारी और हमारी बेटी की। मारो मतलब है दाईसा की पोती के साथ में। और कैसे वो प्रतियोगिता वालों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। हाँ जी जी, फोटो देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि तुम दोनों माँ बेटी नहीं हो, है ना? सच में बच्ची का चेहरा कितना मिलता है ना तुझसे, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया ये प्रतियोगिता तो तू ही जीतेगी। मेरी प्यारी बहना। लेकिन जीजी, अगर वो प्रतियोगिता वालों ने तेरे घर पे फोन कर दिया तो फिर तूने सब पता चल जाएगा ना। मेरी प्यारी बहना, अभी ना तूने मारे को ठीक से पहचाना को। अरे फोन तो वो तब करेंगे ना जब उन्हें नंबर पता होगा। अरे मैंने तो माँ का नंबर दिया, चल आगे। अच्छा हाँ? और अब उनका फोन आए ना तो फटाफट से मारे को खुशखबरी बता दियो। लेकिन जीजी, तेरे ससुराल वालों को तो पता चल ही जाएगा ना कि तूने दाईसा की पोती के साथ भाग लिया था। अरे उन्हें कैसे पता चल जाएगा, उन्हें तो बस मारे जीतने की खबर मिलेगी और वो भी मैं ना खुद दूंगी, और ज्यादा पूछा तो कह दूंगी काना के साथ मैंने भाग लिया था। वाह, मानना पड़ेगा तेरे दिमाग का तो जवाब ही नहीं। अरे अरे क्या कर रही है? अरे प्राइस टैग निकाल रही हूँ, चुप जाएगा। अरे असली वसूली तो अभी बाकी है, पूरे 500 रुपए की। क्या मतलब? मतलब अभी दुकानदार के पास जाऊंगी और कहूंगी ये फिरोक वापस लो, ये हमारे पति को पसंद को नहीं, बस वापस तो लेनी पड़ेगी, और ज्यादा छू चपट करी ना उसने तो फिर मैं काना के लिए कुछ ले लूंगी या कुछ और ले लूंगी। तो चल मारे साथ दुकान के बाद। जी जी तुम भी ना। अरे मीना भी नहीं, तू तूरे बाजार में टाबरा कसा के कर रही है? वो मैं वो हाँ वो मैं काना को ना पोलियो की खुराक दिलवाने लाई थी। हाँ तो सोचा मिस्त्री को भी दिला दूँ। आप बड़ी जल्दी आ गई, अस्पताल में जो आपके देवर हैं वो कैसे हैं? ठीक है, पर थोड़ा टाइम तो लागी सी। हाँ हाँ, लेकिन तू बहुत ही अच्छा काम करी मीना बिन्नी। ये फ्रॉक तो नहीं लग रही? ये फ्रॉक वो दाईसा, हाँ मिस्री ने ना बाजार में उल्टी कर दी, तो बच्ची को गीले कपड़ों में कैसे रख सकती थी, गंदे कपड़ों में, है ना? तो फ्रॉक दिला दी उसको। साची कहूँ तो तू आपका स्वभाव का एकदम उल्टो काम करी है, भगवान थारो भलो करे।
ले छोरी न दे। और लो तेरी सारी होशियारी ना धड़ी की धड़ी रह गई। ये झूठ बोलने के चक्कर में ना 500 रुपए का चूना लग गया तुझे। कोई बात नहीं, हमारी बेटी ने ही तो पहना है। मारा मतलब है ताईसा की पोती ने अगर मारे को प्रतियोगिता जितवा दी तो 500 रुपए की तो हकदार बने हैं। छोरी अच्छी लग रही थी फिर उस पे। कोई बात नहीं। संतोष तू जो बिंदड़ियों ने कह रही थी कि थारी सारी बिंदड़ियां एक के ऊपर एक सवा से, तू असल में ये बात किसे सुना रही थी? भूत प्रेत ने तो ना सुना रही थी, तीनों बिंदड़ियों ने सुना रही थी, और किने सुनाऊंगी? नहीं संतोष, तू ये बात सिर्फ छोटी बिंदी को हौसला बढ़ाने के लिए बोल रही थी, उसे सुना रही थी। हा? किसी की नजर में भी ना आए और तूने उसकी पीठ थपथपा दी। छोटी बिंदी ने ना बढ़ावा देना जरूरी हो, क्योंकि छोटी बिंदी संध्या बिंदी की तरह होशियार को नहीं। संध्या बिंदी की वजह से चुनी गई ना, तो कहीं ना कहीं तो मन में हो गई है ना। आधा किलो दो भाई। एक किलो दे। ठीक है, आधा किलो दो भाई। ठीक। और ऊपर से मीना बिंदी सुई लेकर तैयार खड़ी है कि मौका मिले तो चुबा दियो। चुप चुप कर ऐसे ताना मार रही थी जैसे छोटी बिन्नी की अपनी कोई पहचान ही को नहीं। जो भी काम हुए ना इस घर में संध्या बिन्नी के कारण। ले आओ, आम भी दे दियो आधा किलो। भैया छोटी बिन्नी ने ना संध्या बिन्नी को लिहाज है, मने तो डर है कि वो लिहाज के तले दबकर वो प्रतियोगिता में संध्या बिन्नी के सामने खड़ी ना हो पाएगी, या फिर कुछ और। दियो कितना हुआ है भाई? 112 रुपए। 110 ही दूँ। हाँ ठीक, ये ले 10 रुपए, ये ले 100। हो गयो? हाँ जी। अरे रुक भाई जी। हाँ अरे रुक। संतोष तू बरनी ले रही क्या? कल ही तो ले आई थी तू बरनी, दो दो बरनी का क्या करेगी? अरे मारा राम जी, दाईसा के लिए ले रही, वो तो मैं काली खरीद लेती, पर वो अस्पताल को चक्कर हो गयो ना, इसलिए। या लो आप दाईसा के घर की चाबी लेकर आओ, जब तक मैं बरनी ले लो। मारा राम जी संभाल कर लेकर जायो। रुक भाया। बस इतना बहुत है, मारे से ही कमा कर बंगला खड़ा करना है क्या आप लोग? हाँ इतना बहुत है। ठीक है ले लीजिए, अब आपसे की बहस करना। संतोष जे दाईसा की चाबी तो मिली कौन? सब घर ढूंढ लिया मैंने। अच्छा दाईसा अस्पताल से आ गई होगी, वो ही लेकर गई होगी। एक काम करो, मैं दाईसा के घर आ जाकर आऊ। घर आ जाओ। हाँ। बरनी देकर आओ। ए मारा जल्दी जल्दी बना पान। लागे ताईसा घर आके होगी। अरे संतोष अब बर्नी मेरे लिए लाई है क्या? भाई आई ली हो तो तेरा जिस। हाँ ताईसा तू अब आई है तो फिर थारी चाबी मारे घर से कटे गई। संतोष इतना बड़ो घर है, रख दियो से कठे भी। हाँ मेरे कन्ना दूसरी चाबी है, तू परेशान ना हो। हाँ चल आजा। ला ये मैंने दे तुम रखा। आइए ला गुड़िया ने मैंने। आजा 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 है ला आजा।
हार जाए। आजकल मारी यादाश्त ने क्यों हो क्यों है? मैंने इसे चाबी लेकर भेजी थी कि जा, जाकर दरवाजा खोल दे, मैं अचार की बरनी लेकर आऊं। अरे संतोष, बादाम खाया कर, इस उम्र में है ना यादाश्त कमजोर हो ही जावे। बेनी घर जा, आप बाबू मुझे माफ कर दीजिए बाबू, मेरा टीवी प्रोग्राम देखना बहुत जरूरी था। मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए दाइसा की आप टीवी देखने चली गई। बाबू छह प्रतियोगिता किसी भी हाल में जीतनी है और मैं इस जीत में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। पर बीनणी, ये प्रोग्राम तो संध्या बीनणी ने भी देखना था ना, उसे साथ क्यों ना ले गई? अब ये बात सच है कि मैंने जेठानी जी को ऐसा के घर पे जाने की बात नहीं बताई, पर इसके पीछे कोई गलत वजह ना थी। मैं जेठानी जी को बुला भी लेती, पर आप तो उन्हें अच्छे से जानती है ना, उन्हें ये बात बहुत गलत लगती और वो खुद ना आती और ना वो मुझे आने देती। बाबू जेठानी जी पढ़ाई में बहुत होशियार है, वो इन किताबों के बल पर प्रतियोगिता की तैयारी अच्छे से कर लेंगी, पर मैं अब मैं इतनी होशियार नहीं हूँ। अब बाबू मेरा टीवी प्रोग्राम देखना बहुत जरूरी था। अच्छा तो केस जीत के लिए तू संध्या बिनणी ने पीछे छोड़ सके है? बाबू मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी, पर हाँ ये बात सच है कि मैं इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बात जेठानी जी को हराने की नहीं है, कि बात मेरे जीतने की है। मुझे पता है बाबू, इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए मुझे जेठानी जी से आगे निकलना होगा और मैं सब करूंगी बाबू। तेरे लिए रिश्तों से बढ़कर होगी ये जीत। इस वक्त मेरे लिए इस प्रतियोगिता की जीत से बढ़कर और कुछ भी नहीं। मैं बात जानती हूँ कि प्रतियोगिता जीतना जेठानी जी का सपना है, पर बाबू अगर ये प्रतियोगिता जेठानी जी हारी तो उनका एक सपना टूटेगा, मुझे बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी। पर बाबू शेठ जी है जेठानी जी के साथ उनको संभालने के लिए, अगर मैं ये प्रतियोगिता नहीं जीती बस कुछ नहीं बचेगा, मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा।
इस प्रतियोगिता को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ सकती। मुझे बस जीतना है बाबू, बस जीतना है। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।